28 फरवरी को रेल कर्मी से हुए 8 लाख रुपए की लूट की घटना का सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल दो अभियुक्तों को टीम ने बिहार के कटिहार जिले से गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटे गए रुपयों में से 3,17,000 रुपए भी बरामद कर लिया गया। वहीं घटना में शामिल दो अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्तों के धरपकड़ में जुटी है। ये चंदौली कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम जो हमारे जनपद चंदौली की है, जिसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 28 फरवरी को 8 लाख रुपए लूट की एक घटना बैंक से हुई थी, जिसमें एक रेलवे कर्मी द्वारा बैंक से पैसे निकाल के जैसे ही वो घर जाने के लिए चला तो बैग छीन करके भाग गए थे। दो लड़के मोटरसाइकिल पे थे और ये चूँकि सनसनीखेज घटना थी और एक लंबा अमाउंट इसमें छीना गया था। इसमें हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से और वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हुए यह तलाश किया कि घटना में शामिल लोग कौन थे, और विवेचना से ये बात जानकारी में आई कि घटना में सम्मिलित कटिहार के रहने वाले हैं, बिहार के, और ये कीचक जात के लोग हैं, पेशेवर क्रिमिनल ट्राइब आप इनको कह सकते हैं, जो भारी संख्या में पूरे यूपी में, जैसा कि जानकारी मिली है वहाँ पर जब हमारी टीम गई थी, कि 20-25 की संख्या में ये गाँव से निकले हुए हैं और यूपी के अलग अलग जनपदों में हैं। इनका अपराध करने का तरीका ये है कि इनके दो साथी बैंक के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वाच करते हैं कि कौन सा व्यक्ति लंबा अमाउंट कैश में ले कर निकल रहा है, फिर ये उसका बाहर निकलने पे पीछा करते हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से पीछा करने के दौरान ये सफल हो जाते हैं तो पैसा छीन लेते हैं, किसी प्रकार के असलहे आदि का उपयोग नहीं करते। उसी क्रम में घटना की गई थी और तमाम प्रयास के बाद इसके दो मुख्य अभियुक्त सौमित कुमार पुत्र दीपक जाधव, जो नया टोला जुराबगंज थाना कोड़ा कटिहार बिहार का रहने वाला है, और इसका दूसरा साथी देवेंद्र जाधव वो भी वहीं का रहने वाला है, गिरफ्तार हुए हैं। अभी इनके दो साथी जो अंदर रेकी कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके कब्जे से लगभग 3,17,000 रुपये कैश जो बैंक से लूटे गए थे वो रिकवर हुए हैं। वो बैग मिला है जिसमें पैसा था और उसमें पासबुक, उसके और कुछ पहचान चिन्ह थे जो बरामद किए।